नमस्कार, आज हम पास्ट टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसको हम हिंदी में भूतकाल कहते हैं। तो जैसे कि हमने पहले पिछले वीडियोस में देखा है कि पास्ट टेंस के भी चार पार्ट होते हैं, है ना। प्रेजेंट टेंस के भी चार पार्ट थे, बिल्कुल उसी तरीके से पास्ट टेंस के भी चार पार्ट हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जिस तरीके से हमने प्रेजेंट टेंस में चारों पार्ट्स को अलग अलग तरीके से समझा था, बिल्कुल उसी तरीके से पास्ट टेंस में भी हम चारों पार्ट को अलग अलग तरीके से समझेंगे। और ये बिल्कुल सिमिलर है, जैसा प्रेजेंट टेंस था बिल्कुल पास्ट टेंस भी वैसा ही है, सिवाय कि थोड़ी सी चीजें कुछ बदल सी गई है ना। अदरवाइज ये बिल्कुल एक जैसी ही है। ओके, तो सबसे पहले है हमारा सिंपल पास्ट, या हम कह सकते हैं इसको पास्ट इनडेफिनिट टेंस। तो वो सिंपल पास्ट में क्या होता है कि जो भी चीज है जो हो चुकी है, जैसे मैंने खेल लिया है, मैं खेल चुकी हूं, मैं खा चुकी हूं, वह खेल चुका है ना। तो जो भी चीजें हो चुकी होती हैं और उसमें कुछ भी नहीं होता है, बस सिंपली कि ये काम हो चुका है, तो उसके लिए हम लिखते हैं आई प्लेड। मतलब जो हमारा जो वर्ब होगा, हमारा जो भी एक्शन होगा, उसमें हम सिर्फ ईडी ऐड कर देंगे और कुछ भी नहीं। ना हमको इज लगाना है, ना हमको वॉज लगाना है, ना हमको आर एम कुछ भी नहीं लगाना है, सिर्फ हमारे वर्ब में ईडी लगा देंगे, दैट्स ऑल, और कुछ भी नहीं। तो जिस तरीके से हमने सिंपल प्रेजेंट में किया था, बिल्कुल ही सिंपल तरीके से हमने सिर्फ एस लगाया था, उसी तरीके से पास्ट में हमें सिर्फ ईडी लगाना है। तो ये हो गया हमारा सिंपल पास्ट। दूसरा है हमारे पास पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, है ना। कुछ ऐसा जो कि हम कर रहे थे, कर चुके हैं नहीं, कर रहे थे, है ना। हम ये काम कर रहे थे, मतलब खेल रहे थे, लेकिन कुछ देर तक खेले हैं, है ना, 10 मिनट 15 मिनट जो भी है, कुछ देर तक खेले हैं। तो जब हम ये वर्ड यूज करते हैं कि हम खेल रहे थे, तो उसके लिए फिर ये मतलब कंटिन्यू हो गया ना, कुछ देर के लिए, कंटिन्यूअस टाइम के लिए चला है, तो इसलिए हम इसको लिखते हैं कि आई वॉज प्लेइंग। तो इसमें हमें सिर्फ वॉज ऐड करना है, या तो हम वर यूज करते हैं, आई वॉज या यू वर। तो जब भी किसी एक इंसान की बात होती है तो वहां पे हम वॉज यूज करते हैं, जैसे ही, शी, इट, आई। लेकिन जहां पे चीजें दे हो गया, दे, वी, यू, इन सारे दे, वी, यू के लिए हम वर यूज करते हैं, डब्ल्यू ई आर ई। और ही, शी, इट, आई के लिए हम वॉज यूज करते हैं। तो आई वॉज प्लेइंग, ही और शी वॉज प्लेइंग, ठीक है, इट वॉज प्लेइंग, अगर कोई बिल्ली है या ऐसा कुछ भी है, तो हम इट यूज कर सकते हैं। लेकिन जब हम ये कहेंगे कि तुम खेल रहे थे, तब हम वहां पे यू वर लगाएंगे। अगर एक से ज्यादा लोग हैं, है ना, तो दे वर प्लेइंग। तो जब भी अगर हमारे पास यू होगा, वी होगा या दे होगा, हम वहां पे वर का इस्तेमाल करेंगे, वर यूज करेंगे। और जब भी हमारे पास ही, शी, इट या आई होगा, तो हम वहां पे वॉज लिखेंगे। ये रूल होता है हमारे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। अगर आपको लगता है कि ये सारी चीजें जो मैं बोल रही हूं, चूंकि ये स्लाइड में एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है, तो आप छोटा सा एक नोट पैड लेके और इस चीज को नोट डाउन भी कर सकते हैं, ताकि आपको आगे फिर ये सारी चीजें याद रहें। फिर आता है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में
The past perfect tense is used to refer to actions that took place and were completed in the past. काम हुआ था पहले और उसी समय खत्म भी हो गया था और उस टाइम को अभी काम को हो जाने में अभी टाइम ही हो गया। जैसे हम कहते हैं कि I had played, मैं खेल चुका है ना, मैं खेल चुका। तो जब हम ऐसा कहते हैं कि मैंने खेल लिया है ना, मैं उस समय खेल रहा था और अब खत्म भी कर दिया, मैंने खेल लिया है, तो उसके लिए हम लिखते हैं had। जब भी हमारे पास past perfect tense आ जाता है उसके लिए हम अपने verb के पहले had use करेंगे और ed ही लगता रहेगा। ओके, थोड़ी सी कंफ्यूजन जरूर होगी, यहाँ पे हमने was लगाया, was और were, तो यहाँ पे हमने ing लगा दिया और यहाँ पे हमने ed लगाया, तो past जो होता है ना वो हमारी पुरानी ये भूतकाल की बातें करता है, तो इसलिए जब भी हम was और were लगाएंगे तो हम ing लगाएंगे, लेकिन बाकी जितनी भी जैसे इनडेफिनिट है और फिर परफेक्ट है उसमें ईडी ही लगेगा। लेकिन फिर आप गौर करेंगे कि जब हम परफेक्ट कंटिन्यूअस लगाएंगे उसमें चीजें और बदल जाएंगी। यस, तो जैसा कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, जैसा कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में देखा था कि उसमें परफेक्ट के भी कुछ चीजें और कंटिन्यूअस की भी कुछ चीजें आके मिलके एक अलग सा सेंटेंस क्रिएट करती है, तो बिल्कुल उसी तरीके से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी, ये देखिए यस कंटिन्यूअस का आईएनजी प्लेइंग में लगा हुआ है ना, और परफेक्ट का हैड लगा हुआ है। लेकिन इसमें जिस तरीके से हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बीन लगाया था बिल्कुल उसी तरीके से इसमें भी बीन लग जाएगा। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस तभी हम यूज करते हैं, इट इज यूज्ड टू इंडिकेट दैट अ कंटिन्यूइंग एक्शन इन द पास्ट बिगैन बिफोर अनदर पास्ट एक्शन बिगैन और इंटरप्टेड द फर्स्ट एक्शन। मतलब मैं पहले कोई काम कर रहा था फिर बीच में हम कोई और काम शुरू कर लिया है ना, पहले हमने एक काम शुरू किया था, मैं खेल रही थी और खेलने के बीच में ही पापा ने बुला लिया तो मैं वहां से चली आई, तो उसमें हमने क्या किया, हम घर चले आए, तो ये एक काम हो रहा था वो पूरा हुआ भी नहीं था कि हमने दूसरा काम शुरू कर दिया। तो जब हम इस चीज के बारे में बात करते हैं तो इसमें हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ये होता है और हमें इसी तरीके से लिखना होता है, शी हैड बीन प्लेइंग, आई हैड बीन प्लेइंग बट आई केम बैक, है ना, ही और शी हैड बीन, वी हैड बीन, दे हैड बीन, इसमें ये सारी चीजें हैड बीन और प्लेइंग के साथ ही यूज होंगी। ऑलराइट, इसके आगे फिर हमारे पास फ्यूचर टेंस है। इन सारे टेंसेस के बारे में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप ऐसे तो पूछ भी सकते हैं, लेकिन अभी इसके बाद एक बार हम पूरा टेंस कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद हम कुछ सैम्पल पेपर्स वगैरह भी देखेंगे या ट्रांसलेशंस वगैरह भी बनाएंगे जिससे कि फिर ये सारी चीजें और भी ज्यादा क्लियर हो जाएंगी आप। ओके, थैंक यू।